नमस्कार, मैं रेनू कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है उत्तराखण्ड की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश प्रदेश में उत्साह का माहौल रहा। यह दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा। इसी शुभ मुहूर्त में कई घरों में किलकारियां गुंजी हैं। किसी के घर सिया तो किसी के घर राम आए हैं। इस खास दिन बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं खुद को और अपने बच्चों को सौभाग्यशाली मान रही हैं। दूसरी खबर की ओर चलते हुए बता दें, ऋषिकेश के मयाकुंड स्थित झुग्गी झोपड़ी निवासी सकल सानी ने दी नेहरीन में बताया कि बीते रविवार रात उसके घर के पास भजन कीर्तन चल रहा था। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला शिव शंकर सानी कपड़े उतारकर नाचने लगा। इस पर उनकी बेटी रूपा ने आपत्ति जताते हुए नाचने से रोका तो आरोपी ने युवती के सिर पर कुकर से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी ने घायल को एम्स में भर्ती कराया, जहाँ उपचार के दौरान सोमवार को युवती की मौत हो गई। अन्य घायलों को वाहन स्वास्थ्य लाभ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित और उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, आरोपी को गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दे रही है। और तीसरी खबर की ओर चलते हुए बता दें, उत्तराखंड के अधिकतम क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिल रही है, लेकिन सुबह शाम पाला गिरने से कड़ाके की ठंड बनी हुई है। 25 जनवरी तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। और चौथी खबर की ओर चलते बता दें, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में पीजी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार यानी कि आज से शुरू हो रही है। पहले दिन एमए और एमएससी की परीक्षा होगी। एमकॉम की परीक्षा 24 जनवरी से शुरू होगी। बता दें कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की ओर से पहले पीजी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम 22 जनवरी से जारी किया गया था। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के चलते अवकाश घोषित कर दिया गया था। अब परीक्षा 23 जनवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा केवल एक पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही होगी। विवि के परीक्षा नियंत्रण प्रो बीबी श्रीवास्तव ने बताया कि सभी तैयारी पूरी है। सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं पहुँचा दी गई है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम जहाजगढ़ के पास सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी की 1 सप्ताह पहले अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उपचार के दौरान कर्मचारी की मौत हो गई। परिवार और ग्रामीणों ने शव को फैक्ट्री के गेट पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया है। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि फैक्ट्री प्रबंधन ने वार्ता के बाद मामला शांत हो गया है। ऐसे ही उत्तराखण्ड की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे पब्लिक एशिया न्यूज से। नमस्कार।